हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू नाइट्स। और आज आप लोग फिर से देख रहे हैं कस्टम विद नाइट्स पे, और जो लोग नए हैं उनको भी बहुत बड़ा स्वागत है यहाँ पर। और आज का कस्टम भी पिछले बार की तरह ही स्पेशल है, क्योंकि आज यहाँ सारे जो टीम मौजूद है वो लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं। सब के सब अभी जोश पे हैं, और ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि जो पिछले बार की जो टीम्स थे वो भी अभी खेल रहे हैं, और काफ़ी जो नए नए टीम्स हैं वो भी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मेरा टीम जो कि नाइट्स है वो भी इस बार इस कस्टम में पार्टिसिपेट। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा नेट जो है बहुत बेकार चल रहा है। साला ये बिग गया है नेट, ये नेट में कुछ नहीं रहा है, ये साले हमको पागल बना रहे हैं। मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। ओके, बहुत मजाक हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे टीम्स जो हैं उतर चुके हैं, और कस्टम का जो सबसे पहला लड़ाई है वो टीम ओडी और टीम नाइट्स के बीच हो चुका है। यहाँ नाइट मांबा नॉक हो चुके हैं, कुजी जो कि किन्ज़ोम के आगे किन्ज़ोम की तरफ बढ़ रहे हैं, लगता है कि ओके किन्ज़ोम ने S12K का बढ़िया सा नॉक करके फिनिश भी कर दिया। यहाँ MUK ने मांबा को फिनिश कर दिया, और कवर फायर से ड्रिगर का जो कवर फायर है उसने MUK को नॉक कर दिया है। इसके साथ साथ नैप ने जो है किन्ज़ोम को नॉक कर दिया है। लगता है नैप अकेले बंदे बचे हुए, क्योंकि उनका दो बंदा ऑलरेडी नॉक हो चुका है। यहाँ एबिजो का जो कवर फायर है यूजी का आते हुए, और अभी देखना पड़ेगा कि नैप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनके दो तरफ बंदे जो है कवर फायर दे रहे हैं। इसके साथ साथ ड्रिगर ने लूज जॉम्पी को फिनिश कर दिया है। ओके, ड्रिगर को डैमेज मिल चुका है, और ड्रिगर ने भी नैप को डैमेज दे दिया है। नैप ने एबिजो को नॉक कर दिया, मगर ड्रिगर ने नैप को फिनिश कर दिया, जिसके साथ साथ नाइट्स ने ओरियो की जो क्लैन है वो उनको वाइप कर दिया है। यहाँ अगर पूछेंगे कि हम बात करें तो EXP2 की जो फाइट हो चुकी है टीम नंबर 22 के साथ, टीम नंबर 22 में असली में RTX था, लेकिन ये पता मुझे पता नहीं कौन सा क्लैन है ये। ओके, GoCS ने ग्रीड को नॉक कर दिया 70s के, और ओके 70s के ग्रीड जो कि ये फिनिश हो चुके हैं। EXP2 को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके पीछे ही जो है Alpha 2। ओके, स्वाट रैट ने EXP गॉडेल को नॉक कर दिया है, वो CS ने 70s NV को नॉक कर चुका है, उसके स्वाट रैट ने वो CS को नॉक कर दिया है। ओके, डॉक ने स्वाट रैट को भी नॉक कर दिया। उधर से अल्फा 2 की भी जो फायर पहुंच रही है इनकी तरफ, जैसे कि हम देख सकते हैं अल्फा 2 की जो टीम है उनके ठीक पीछे है EXP2 की टीम के ठीक पीछे। यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा टीम जो यहाँ टीम नंबर 22 जो है फिनिश हो चुकी है। यहाँ लक्सम जो है यू हाइक जो अननोन स्क्वाड के उनसे नॉक हो चुके हैं, उनके नेट के द्वारा नॉक हो चुके हैं। और यहाँ अभी फोरेस की जो टीम है उनको फोरेस की टीम जो यहाँ वाइप हो चुकी है अननोन स्क्वाड के द्वारा। ओके, हम फिर से लौटे हैं पोचिंगी की तरफ, और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ अल्फा 2 की जो टीम है उन्होंने फाइट ले लिया है। ओके, नारुतो ने जो है GoCS को अपने यूजिंग स्पेस से नॉक कर दिया है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से नॉक किया है, और डॉग ने अपने कवर फायर से नारुतो को नॉक कर दिया है। अल्फा के एक मेंबर नॉक हो चुके हैं। ओके, गॉडेल ने सेरेन को फिनिश कर दिया। यहाँ अल्फा के तीन मेंबर्स जो कि अभी सर्वाइव कर रहे हैं, नारुतो यहाँ नॉक हो चुके हैं, मुझे लगता है कि वो रिवाइव हो जाएंगे। ओके, EXP2 की जो टीम है वो उन्होंने अल्फा 2 पे रश बोल दिया। अब देखना पड़ेगा कि अल्फा 2 ये सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकती है। इधर लक्सी ने जो है नारुतो को नॉक कर दिया है, और जील ने भी कवर फायर देने का ट्राई किया, मगर जील भी नॉक हो चुका है, और यहाँ देखते देखते अल्फा की जो टीम है वो फिनिश हो चुकी है। यहाँ SM Essence ने जो है फ्लेयर ड्रॉप मंगवाया है, और जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं अभी 19 टीम्स जो है अलाइव है, 71 प्लेयर्स अलाइव है, 19 टीम्स अलाइव है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी गाइस, मेरा जो है शब्द अदल बदल गया है। तेरे शब्द अदल बदल गए। ओके, इस मैच को हम लोग जारी रखेंगे, आप लोग कहीं मत जाना, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आपने छोड़ कर देखे तो इतनी ये वाला सीन जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ अल्फा रॉग्यू जो अल्फा SM के एक लौते मेंबर बचे हुए हैं, अल्फा SM के जो तीन मेंबर्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं पहाड़ी के क्लैन के द्वारा। पहाड़ी के दो मेंबर्स नॉक हो चुके हैं, अर्जुन और कांट मैच।
उनके कान में अचानक रिवाइव हो चुके हैं और अल्फा रोगियो जो छत के ऊपर कवर लेके बैठे हैं उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उन वो अकेले बंदे हैं अपने स्क्वाड के और हम देखना चाहते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। ओके, क्या ये 1v4 होगा? और रोगियो ने अपना बढ़िया यूजी का स्प्रे से डार्क शेडो को नॉक कर दिया है मगर पहाड़ी शुभ ने अल्फा रोगियो को फिनिश कर दिया। इसके साथ साथ अल्फा की जो क्लैन है वो फिनिश हो चुकी है। ओके, यहाँ SM एसेंस और टीम एक्सरसाइज की जो फाइट हो चुकी है और DSD बुरा ओपी जो कि नॉक हो चुके हैं इन SM एसेंस के द्वारा और SM एसेंस ने यहाँ फाइट बोल दिया है, रश बोल दिया है, फाइट शुरू हो चुकी है। अब ओके हैकर व्यूअर्स ने एक इमोशन करंट को नॉक कर दिया। ओके यहाँ फिनिश भी हो चुकी है। इसके साथ साथ DSD फ्लेम ओपी ने पार्टी ब्रेकर को नॉक कर दिया। ओके अकेले बचे हुए हैं और जेवियर ने अपने प्यारे MK14 के स्प्रे से DSD फ्लेम ओपी को फिनिश कर दिए। इसके साथ साथ टीम एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। ओके रूइंस के साइड अगर हम देखें तो लिक्विड गेमिंग के जो दो बंदे हैं उन्होंने क्लॉक गॉड और अभी कोकी को नॉक कर दिया है। अभी जायरो और लिक्विड के जो फाइट है ओके शिनचेन यहाँ नॉक हो चुके हैं। शिनचेन को अभी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं और इसके साथ साथ शिनचेन भी श्राउड के द्वारा नॉक हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जायरो की जो क्लैन है वो फिनिश हो चुकी है। इधर ज्यूस के वैम्प है उन्होंने ESP के टीम को सरप्राइज दे दिया। उन्होंने ESP नाइट को नॉक कर दिया लेकिन जेंथ के द्वारा ज्यूस वैम्प नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। इसके साथ साथ ज्यूस के जो है तीन बंदे अलाइव है अभी और अगर हम दूसरे छोर पे देखें तो ये 4DB बॉट किलर नॉक हो चुके हैं। इधर SM एसेंस और 4DB की जो लड़ाई ओके 4DB की जो बॉट किलर है वो पार्टी ब्रेकर से फिनिश हो चुकी है। देखते देखते नाइट्स और MD की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और ट्रिगर शायद रश करने के लिए निकल पड़े हैं। ओके इन्होंने रिटर्न बैक मार लिया है और बीस बॉय ट्रिगर को नॉक एंड फिनिश कर दिया है। नाइट्स के अभी सिर्फ दो मेंबर बचे हैं किंजम और एबिजो। ड्रिगर ने आई गेस ये वाला बहुत गलत स्टेप उठाया है, उनको शायद रश करना ही चाहिए था, उनको रिटर्न बैक नहीं करना चाहिए था तो अभी वो अलाइव होते। ओके यहाँ तीन टीम्स के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है। देखता है कि कौन सा टीम ये सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। यहाँ ज्यूस रोहन ने बढ़िया सा अपने स्कारलेट का स्प्रे से लिक्विड नीमा को नॉक कर दिया है। लिक्विड टीम के जो दो मेंबर्स हैं वो नॉक हो चुके हैं मिस्टेरियो और नीमा और हमें देखना है कि कौन सा टीम किस पे भारी पड़ता है। और लिक्विड बड़ी व्हाट अ ब्यूटीफुल नेट कुक्ड जिसने ज्यूस के दो मेंबर्स को जो कि रोहन और अमन उन दोनों को फिनिश कर दिया है। इसके साथ साथ ज्यूस की जो क्लैन है वो फिनिश हो चुकी है या नाइट की क्लैन भी फिनिश हो चुकी है। अंतिम राउंड में नाइटमेयर को फिनिश कर दिया है जो MD क्लैन से है। यहाँ चार क्लैन के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है। उधर साइड में पार्टी ब्रेकर जो SM से उन्हें क्लच मास्टर को नॉक कर दिया जो भी MD क्लैन से और क्लच वेव ने उनका किल हालांकि चुराया गया क्लच वेव के द्वारा। यहाँ MD क्लैन के लिए स्ट्रगल शुरू हो चुका है क्योंकि वो जोन के अंदर नहीं है और लगता नहीं कि वो MD क्लैन ये कर पाएगी। ओके अंसर शाउट ने MD आइकॉनिक को नॉक कर दिया है। लिक्विड बडी ने क्लच वेव को नॉक कर दिया है। यहाँ शायद मेरे ख्याल से अनसेक्सी और अननोन स्क्वाड के बीच में जो लड़ाई लिक्विड गेमिंग या अनसेक्सी स्क्वाड के बीच में लड़ाई थी उसके लिए लिक्विड बडी को नॉक कर दिया है। शाउट ने यू हाई को नॉक कर दिया है। लास्ट मैच उसके बचे हुए ओके लिक्विड बडी ने क्लच वेव को नॉक करके अननोन स्क्वाड के जो पूरे टीम है उनको फिनिश कर दिया है। अनसेक्सी की जो विस्की है उन्होंने ESP नाइट को फिनिश करके ESP के जो क्लैन है उनको पूरी तरह वाइप कर चुका है। अनसेक्सी क्लैन के एक मेंबर नॉक हो चुके हैं। हैकर ज्यूस का जो पार्टी टेकर काफी अच्छा स्प्रे था लेकिन अनसेक्सी श्राउड ने पार्टी टेकर को नॉक कर दिया M416 के स्प्रे से। SM एसेंस की जो टीम है उनके एक मेंबर नॉक हो चुके हैं। ओके फिनिश भी हो चुके हैं पार्टी टेकर। ओके अब यहाँ सिर्फ तीन टीम्स बचे हुए हैं, 10 अलाइव है और हम उस दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लिक्विड गेमिंग की टीम कैसे स्ट्रैटेजी बना के स्मोक मार के आ रहे हैं जोन के अंदर। अभी फिलहाल के लिए SM एसेंस ही टीम है जो जोन के अंदर सुरक्षित है। उधर अनसक्सेस की टीम भी गाड़ी लेके आ रही है। ओके लास्ट पर काफी रोमांचक होने वाला है। यहाँ मिस्टेरियो ने अनसक्सेस विस्की को नॉक कर दिया है। ओके अनसक्सेस के जो तीन मेंबर से उनमें से एक मेंबर नॉक हो चुके हैं। तीन टीम की SM की जो इंद्रा है वो नॉक हो चुके हैं अनसक्सेस श्राउड के द्वारा। मगर जेवियर जो फिनिश हो चुकी है, SM एसेंस की टीम है वो पूरी तरह वाइप हो चुकी है। अब सिर्फ दो टीम बचे हुए हैं लिक्विड की टीम और फाइट शुरू हो चुकी है। ओके श्राउड ने एक मेंबर को डाउन कर लिया है। देखना पड़ेगा कि ओके अनसक्सेस के जो दो मेंबर्स थे वो नॉक हो चुके हैं। अनसक्सेस विस्की सिर्फ बचे हुए अनसक्सेस विस्की को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ लिक्विड में दो मेंबर्स अभी अलाइव है, एक बड़ी है नॉक हो चुके हैं। ओके फाइट काफी इंटेंस होने वाला है।
और दोनों जो मेंबर्स है वो एक दूसरे को हील कर रहे हैं, हमने आई मीन एक अपने आप को हील कर रहे हैं। देखा भाई एक बहुत अच्छी ओके अंशी शराब ने लिक्विड नीला को नॉक कर दिए यूजी के द्वारा, अंशी जी विस्की भी वहाँ पाने लगे, लेकिन अंशी से विस्की भी नॉक हो चुके हैं एम डी श्राउ के द्वारा। हमसे अंशी जी श्राउ बचे हुए हैं और एम डी श्राउ व्हाट अ शॉट, इसके साथ साथ लिक्विड की जो टीम है वो ये चिकन हासिल करती है। लिक्विड टीम अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, और मैं अनसेक्सी क्लैन को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस बार। और अनसेक्सी श्राउड यू आर अ लेजेंड टुडे भाई, तुमने 7 किल सिक्योर किए, काफ़ी ओपी यार। इसके साथ साथ कस्टम के जो एमवीपी है वो है श्राउड जो कि टीम लिक्विड से है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग कॉमेंट करो कि आपका इस कस्टम में सबसे फेवरेट टीम कौन सा रहा, सबसे बेस्ट टीम कौन सा रहा, कमेंट करो भाई लोग। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस एट द नेक्स्ट वीडियो।